दिल्ली में प्याज को लेके लोग काफ़ी दुखी हैं, पूरे देश में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, पूरे देश में ही दुखी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार जानबूझ के प्याज का संकट खड़ा कर रही है। दिल्ली सरकार प्याज मांग रही है और केंद्र सरकार दे नहीं रही। केंद्र सरकार ने दिल्ली को प्याज देना बिल्कुल बंद कर दिया है। 26 जब से प्याज महंगी होनी शुरू हुई तो उसके बाद से 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी, 5 सितंबर को, कि हमारे पास में 56,000 मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक है और आप ले सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कहा कि हम रोज़ाना 10 गाड़ी प्याज लेके सस्ते दामों पे अपने यहाँ दे सकते हैं लोगों को, ताकि प्याज का होर्डिंग करने वालों के और इस सब के लगाम लगाई जा सके। हमने कहा था 9 दिसंबर तक के लिए हमने चिट्ठी मांगी थी, प्याज मांगी थी कि 9 दिसंबर तक हमारी जो चिट्ठी केंद्र सरकार के पास गई हुई है, 9 दिसंबर तक हमें 10 गाड़ी रोज़ाना चाहिए। 10 गाड़ी का मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख किलो प्याज रोज़ाना। सरकार का केंद्र सरकार का कहना था हमारे पास 56,000 मीट्रिक टन प्याज मौजूद है, उसके बावजूद कभी भी हमें पूरी 10 गाड़ियाँ नहीं दी गई। हम मांगते रह गए, मैक्सिमम किसी एक दिन 5 गाड़ी आई हैं, नहीं तो दो तीन चार गाड़ियाँ प्याज देते हैं। हमारा पूरा मशीनरी, हमारा फूड सप्लाई विभाग का पूरा की पूरी चेन, हमारे बहुत सारे गाड़ियाँ पूरी की पूरी तैयार है कि हम रोज़ाना दिल्ली में 10 गाड़ी प्याज सेल करा सकते हैं जनता के बीच में जाकर। हर एक विधानसभा में हमने टीम्स बनाई हुई हैं जो प्याज जाके सेल करा सकती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली केंद्र ने प्याज देना बंद कर दिया है। तो आज मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि केंद्र ने दिल्ली को प्याज देना क्यों बंद कर दिया? दिल्ली सरकार 10 गाड़ी रोज़ाना प्याज आपसे मांग रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप खुद मान रहे हो कि आपके पास 56,000 मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक है, आपने सितंबर में हमको लिख के कहा था, वो स्टॉक कहाँ है? उसमें से आप हमको प्याज क्यों नहीं दे रहे हो? आप सड़ाना क्यों चाह रहे हो? आप प्याज सड़ाने के लिए तैयार हो लेकिन आप प्याज देने के लिए तैयार नहीं हो, आखिर क्या वजह है? ये मैं आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ आप हमें 10 गाड़ियाँ रोज़ाना देना शुरू कर दीजिए, हम दिल्ली में 10 गाड़ियाँ रोज़ाना प्याज बेचने का पूरा मशीनरी हमने लगा रखी है, हमारी पूरी तैयारी है। कुछ इमरान भाई जी, हम लोगों ने 9 दिसंबर 2019 तक का जो है रिक्विजेशन भेज रखा है और अचानक इन लोगों ने हमें प्याज देने से मना कर दिया, बंद कर दी प्याज। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है उसके अंदर मोबाइल वैन्स है, सारा हमारा फूड एंड सिविल सप्लाई का स्टाफ है, सारा खाली बैठ गया एकदम, जो कि रोज़ाना प्याज का वेट कर रहा है, और अचानक इन लोगों ने प्याज देनी बंद कर दिए। अगर प्याज नहीं दे रहे इसका मतलब ये दिल्ली में ये लोग रेट बढ़ाना चाहते हैं प्याज के। तो मेरा सवाल है, सवाल नहीं मेरी बल्कि इल्तिजा है रामविलास पासवान जी से, कि वो जो 56,000 मैट्रिक टन प्याज है उसमें से जो उन्होंने हमें चिट्ठी भेजी थी प्याज दें, ताकि हम दिल्ली के कोने कोने में मोबाइल वैन्स के ज़रिए प्याज वितरण करा सकें और दिल्ली की जनता को प्याज से के दामों से राहत दिला सकें। हाँ दे दे, उसका डिटेल दे, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। पहले ये कर लें, एक मिनट सर, कोई और प्याज ये देंगे इसका जवाब भी। जो प्याज को लेके 10 तारीख को उन्होंने कहा नावा सेवा में आएगा और 5 दिन का टाइम है और वो भी 60 रुपए, जिस पे आपका ऑब्जेक्शन है, क्या उस पे रिप्लाई? आपने 56,000 मैट्रिक टन प्याज तो हमें पहले बताया ना, वो प्याज तो दीजिए, वो कहाँ गया? वो आपने सड़ा दिया, उसको आप गड्ढे में डाल रहे हो, उसका क्या कर रहे हो? आप सितंबर में हम क्या कह रहे हो हमारे पास में 56,000 मीट्रिक टन प्याज है, हम उसके बेस पर हम यहाँ पूरी मशीनरी लगा देते हैं अपनी, और आप हमें हम कहते हैं आप हमें अगले करीब 1.5 महीना, हमने 9 दिसंबर तक के लिए मांगा हुआ है, हमने ऑर्डर किया हुआ है कि हमें 9 दिसंबर तक 10 गाड़ियाँ रोज़ाना प्याज दीजिए, वो कहाँ जा रहा है प्याज, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब आप जानबूझ के या तो होर्डर्स के इशारे पर किसी न किसी के साथ मिलीभगत करके आज जानबूझ के आप देश भर में प्याज का संकट खड़ा कर रहे हो, और दिल्ली सरकार जब उसका सॉल्यूशन लेके आई तो आप दिल्ली को प्याज नहीं दे रहे हो। आप दिल्ली को प्याज दो, अपने आप होर्डिंग खत्म हो जाएगी। दिल्ली की प्याज में क्या स्थिति है, सरकार की तरफ से किस तरह से जांच की जा रही है कि यहां पर कालाबाजारी ना हो, और केंद्र सरकार में अगर चिट्ठी में जवाब नहीं जा रहा तो क्या मुलाकात करने का सिलसिला? नहीं, इन्होंने समय मांगा हुआ है। मैंने समय मांगा था माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया है मिलने के लिए,
और हमारी मार्केटें मार्केट इंटेलिजेंस की टीम्स जो है दिल्ली की सारी मंडियों में रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती हैं और 3 बजे तक दोपहर में मंडियों में रहती हैं, और जो भी अगर कहीं कोई होल्डिंग करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा अगर कोई होल्डिंग करता हुआ पाया जाएगा। लास्ट है 24 नवंबर को, 24 नवंबर को लास्ट एक गाड़ी आई थी, सिंगल गाड़ी, 10 में से उससे पहले एक गाड़ी में 25,000 किलो प्याज होता है, लेकिन गाड़ी भी छोटी आई थी उसमें लगभग 13,000-14,000 kg के आसपास प्याज था उसके अंदर। आप हमें दे रेगुलर मांग रहे हैं, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने कहा है भाई हमें 10 गाड़ियां रोज प्याज दे दो, आप हमें 2 गाड़ी दिल्ली में ही नहीं दे पा रहे हो, आप किसको दोगे, कौन सी सरकार को दोगे? कहीं ना कहीं कोई साजिश है, इसीलिए जानबूझ के दिल्ली को भी प्याज देना बंद किया गया है। अभी वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये 56,000 मीट्रिक टन प्याज कहाँ गया, क्यों नहीं दे रहे हैं इसमें? क्या सरकार जानबूझकर चुनावों को देखते हुए प्याज की रेट बढ़वा रही दिल्ली में, जिससे जनता परेशान हो सरकार पर? चुनाव में तो नुकसान ही होना है इनको। अमन अरोड़ा ने कहा है कि ठीक है, अमन अरोड़ा देंगे नहीं, क्या उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक नाराज हैं और 40 आने के लिए तैयार हैं, अगर सिद्धू जी आए तो हम सरकार बना सकते हैं वहाँ पर पंचायत। अगर अगर ऐसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो हम स्वागत करेंगे। सर एक और सवाल है, उसमें क्या खास रहेगा? हाँ सर, विधानसभा सत्र आपके 2 बिल भी आ रहे हैं, विधानसभा सत्र कल हो रहा है शुरू, उसमें मूल रूप से कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं वो रहेंगी, और उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, एक दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो बिल जिसके बारे में हमने जब कैबिनेट में क्लियर किया था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और एक स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और एक लेबर से संबंधित बिल, 3 बिल, एक GST का बिल है, GST में अमेंडमेंट का बिल है, 4 बिल उसमें मूल रूप से आएंगे, लेकिन जो ये एजुकेशन के 2 बड़े बिल हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी, ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दिल्ली और NCR के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ASG News और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ASG News नेटवर्क के साथ।